आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। क्षेत्र के घनियाला क्षेत्र में दो गुटों की रंजिश के चलते हुई अप्रिय वारदात, पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन में। जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुआ सभा। आपसी भाईचारे का माहौल बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से आयोजित हुआ सभा। सभी स्तर के सामुदायिक लोगों की उपस्थिति में किया गया विचार विमर्श। सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्षाबंधन के पावन तिथि के अवसर पर पुलिस प्रशासन, सेना के जवान व दूसरे कार्यकर्ताओं को बांधा गया राखी। खुशी के आंसू उभर आए जवानों। बोलखोला विधानसभा केंद्र में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुई हादसा, ट्रक ने तोड़ा बिजली के खंभे को, इलाके में छाई तनाव की स्थिति। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने नए शिक्षा नीति के विरोध में जलाया पुष्प पुतला तथा बैनर। शिक्षा नीति के पिछले रात को सीतर के मालूग्राम क्षेत्र में एकाएक दो गुटों की आपसी झड़प के चलते इलाके में तनाव का माहौल छा गया, जिसके चलते कई क्षेत्र में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आवासीय लोगों के घर तोड़फोड़ किए गए। हालांकि इस क्षेत्र में पथराव के वारदात को लेकर दो गुटों में रंजिश के माहौल बनने के साथ साथ कुछ सामुदायिक मुद्दों को लेकर माहौल बनने का जानकारी मिला है। गौरतलब है कि संघर्षपूर्ण माहौल के चलते कई लोग जहां घायल हुए हैं, तो इसी दौरान CRPF के जवान, पुलिस प्रशासन तथा जिला उपायुक्त कीर्ति जल्ली तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए इलाके में सेना के जवानों को शांति का माहौल बरकरार रखने के लिए तैनात किया। इसी दौरान DIG दिलीप कुमार दास, पुलिस सुपर ML मीना तथा उप पुलिस उपाध्यक्ष जगदीश दास घटनास्थल पर मौजूद रहकर हालात का निगरानी किया। अपने वक्तव्य में पुलिस सुपर भवनलाल मीना ने कहा कि किसी भी हालत में शांति प्रक्रिया को तोड़ा नहीं जाएगा, हर हालत में शांति प्रक्रिया बरकरार रखी जाएगी। हालांकि इस वारदात के चलते जो अपराधी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी और ऐसे वारदात से परे रहने के साथ साथ सिलचर शहर में शांति का माहौल बरकरार रखे जाने के लिए कानून कोई भी असर पीछे नहीं छोड़ेगा। इस दिन कई मुद्दों को लेकर कई वक्ताओं ने आलोकपात किए। BJP के विधायक दिलीप पाल ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पूरे क्षेत्र के वारदात की जानकारी ली और लोगों को शांत माहौल बरकरार रखे जाने के लिए अपील किया। साथ ही ऐसे वारदात से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व कानूनी कार्रवाई किए जाने का उन्होंने उम्मीद भी जताया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में दौरे के दौरान उन्होंने कई प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। कभी छूट छुट फुट घटना हो जाता है, फिर अभी हमारा दुश्मन है कोरोना। कोरोना से हम लोग फाइट कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं हम लोग। सब मिलकर वही काम करना चाहिए, लेकिन एक छोटा मोटा घटना, एक छोटा सा घटना आज इतना बड़ा हो गया। तो मैंने यहाँ देखा, ये इस एरिया का सब मैक्सिमम अच्छा आदमी है, कोई झमेला नहीं चाहता। लेकिन दो चार ऐसे हर जगह में है, दो चार पाँच ऐसे रहता है जो ये परिस्थिति को बिगाड़ रहा है। लेकिन हमारा जो पुलिस फोर्स, जिला प्रशासन सब मिलकर बहुत कठोर स्टेप लिया है और ये अच्छा काम कर रहे हैं लोग। थोड़ा पीसफुल है, कुछ नुकसान हुआ है व्यापारियों का, छोटा मोटा दुकानदारों का, होना नहीं चाहिए ये सब घटना। और जो भी हो, मैं अपील करता हूँ सबको, सबको बस कि भाई सब शांति बजाय रखना है, अभी धीरज बजाय रखना है। कोई छोटा मोटा घटना होता ही है, इसलिए इतना तो कलरिंग मत करना, जैसे अफवाह मत फैलाना। ये सबसे बड़ा बात है कि जो ह्यूमर, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रहा है, तो मैंने फिर भी सबको मैं सलाह देता हूँ, अपील करता हूँ, वही जाएगा। जिकुनु आईनशृंखला परिस्थिति नियंत्रणाधीन करिब लागिले जिकुनु परिस्थिति पुलिस हाथत लबलगिया हब पारे, प्रशासनर एइटो दायबद्धता आछे। गतिके हेइ परिस्थिति जदि होइसे তেতিয়ালে আমি সেই ধরনের মোকাবিলা করি। কিমান রাউন্ড
এতিয়াই আমি কব নোৱাৰিম। প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ তদন্ত হ'ব, বিতং তথ্য ফাদিল কৰা হ'ব তদন্ত শেষ হোৱাৰ পাছত। এদা সুস্মিতা দেৱ নে पूरे क्षेत्र का दौरा करते हुए इलाके में शांति का माहौल बरकरार रखे जाने का मांग रखा। साथ ही आवासीय क्षेत्र के लोगों के साथ राजनीतिक अटखेलियां न हो इसलिए सभी स्तर के लोगों को जागरूक रहने के लिए भी चेतावनी दिया। सूत्र के अनुसार उन्होंने कहा कि इलाके में शांति का माहौल बरकरार रहना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से इलाके में कुछ राजनेता अपने दबाव दिखा रहे हैं इसके चलते माहौल और भी बिगड़ सकता है। आखिरकार दोनों समुदाय के लोगों को इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को पीछे छोड़ शांतिपूर्ण माहौल तथा राष्ट्रीय एकता अखंडता भाईचारे का माहौल बरकरार रखने का उन्होंने अपील किया। इसी के कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवी शिक्षाविदों ने यह भी उजागर किया कि यह क्षेत्र मामू मखा साहब के मकाम का क्षेत्र है जहां पर लोगों के विश्वास जुड़ा हुआ है। ऐसे क्षेत्र में अगर असामाजिक गतिविधियां होती हैं, आपसी रंजिश की वारदात होती हैं तो लोगों के मन में गहरा ठेस पहुंचेगा। हालांकि उत्तर पूर्वांचल के साथ साथ बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से लोग मखासा मकाम के नाम पर घनियाला क्षेत्र को जानते हैं और ऐसे क्षेत्र में अगर अप्रिय वारदात होती है तो लोगों के मन से मखासा मामू के जो श्रद्धा है और उनकी जो दुआएं हैं उस पर काफी ठेस पहुंच सकती है। स्वाभिमान पर भी लोगों का ठेस पहुंच सकता है। ऐसे वारदात से परे रहकर शांति समृद्धि व एकता के वातावरण तथा भाईचारे का माहौल बरकरार रखे जाने के लिए कई बुद्धिजीवियों ने आवासीय क्षेत्र के लोग तथा पुलिस प्रशासन से अपील भी रखी। এসপির দায়িত্ব, ওই দায়িত্ব উনি নিশ্চয় পালন করবেন, কিন্তু ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত। আর আমার এটা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস যে সাধারণ মানুষ কোনো শহরে অশান্তি চায় না, তাই বলে আমি আমার পক্ষ থেকে সবার কাছে শান্তির অ্যাপিল করছি আর এসপিকেও অ্যাপিল করেছি যে এরকম ঘটনা যদি আরও বাড়ে না বা কোনো কানে হয় না, কারণ শিলচরে যতবার এই ধর যত টেনশন বাড়বে আমি মনে করি যে শিলচরের জনসাধারণের ক্ষতি হবে। আজকে দোকানপাট ভাঙলে, মারপিট হলে, ঢিল ছুড়াছুড়ি হলে শিলচরে কে ইনভেস্ট করবে? শিলচরকে যদি সেন্সিটিভ এরিয়া সবসময় বলতে থাকে, শিলচর বা কাছাড়ের কি উন্নয়ন হবে? তাই বলে আমি সব জনসাধারণের স্বার্থ সামনে রেখে শান্তি বজায় রাখার বিনম্র অপিল করছি। এসপিকে বলেছি যে ল মাস্ট টেক ইটস কোর্স, কিন্তু ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত যে কারা এটার পিছনে। ধন্যবাদ। শিলচর মালুগ্রাম ঘনিয়ালা ক্ষেত্র কে নাজুক হালাত কো মদ্দেনজর রাখতে হুয়ে জেলা পুলিশ প্রশাসন তথা পুলিশ অধীক্ষক উপ অধীক্ষক তথা ডিআইজি ও দূসরে হস্তিয়ং কো উপস্থিতি মে বিস্তারিত তোর পে আলোকপাত কিয়া গয়া, এক সভা ভি আয়োজিত কিয়া গয়া। विभिन्न क्षेत्र के कई सामुदायिक गोष्ठी के प्रवीण बुद्धिजीवी शिक्षाविद व गुणीजनों की उपस्थिति में इस वारदात को लेकर सभा आयोजित किया गया। सभा में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। भाजपा दल के कार्यकर्ता विधायक दिलीप पाल तथा दूसरे के राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। हर हालत में सांप्रति व एकता की तथा भाईचारा के माहौल बरकरार रखे जाने के लिए बुद्धिजीवियों ने अपील किया। प्रशासन ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई के जरिए हर एक हालात के मुकाबला किए जाने के लिए तैयार रहने का भी जानकारी दिया। सूत्र के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोग एक मंच पर जुटकर शांति की वार्ता लोगों में फैलाने के साथ साथ शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए अपने अपने मतामत भी व्यक्त किए। Because the additional SP and the DSP headquarters both were out elsewhere in the district on official duties. Thereafter, I also arrived there and we had patrolled the interior areas of that Ganiala, Malugram. তো এটা যা হয়েছে এটাকে আমরা সবাই মিলে আর কিছু করতে পারি না। যা ঘটে গিয়েছে তার আর কোনো ঔষধ নেই, কিন্তু যাতে আর না হয় তার জন্য আমরা সবাই সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষ মিলে আমরা কীভাবে শুধু এই জায়গাটাই না সব জায়গাতে আমরা কীভাবে এই বাণী আমাদের এরকম হয়ে থাকে সমাজ ব্যবস্থা একটা থাকলে একটু এগিয়ে সেটি হয়ে যেতে পারে, এটাকে খুব বড় ধরনের না হবে যাতে ভবিষ্যতে না হয় তার জন্যে এই জায়গাটা তো আছেই সঙ্গে অন্যান্য জায়গায় যাতে এই মুহূর্তে বা যে কোনো মুহূর্তে
ধরনের চিন্তা করে যাতে বা এই ধরনের কারণে যাতে সমাজের কোনো অনাসৃষ্টি না হয় তার জন্যে সবাই অনুরোধ করবো, যদি আপনাদের ব্যক্তিগতভাবেও কিছু কথা সংক্ষেপে বলার থাকে আপনারা বলবেন নিঃসন্দেহে। এখানে জিএনটি সাহেব सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्षाबंधन तिथि के अवसर पर सेना के जवान, पुलिस प्रशासन तथा विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार पालन किया। इस अवसर पर आवेग के चलते कई इलाके में सेना के जवान, पुलिस प्रशासन और दूसरे कार्यकर्ताओं के आंखों में खुशी की आंसू देखने को मिले, क्योंकि सेना के जवान कई क्षेत्र से आए हुए हैं और देश के विभिन्न प्रांत से आए जवान इन दिनों अपने घर बार छोड़कर राष्ट्र सेवा में नियोजित हैं। ऐसे हालात में उनको राखी बांधकर उनके घर के याद दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के राष्ट्रीय स्तर के संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं पर उन्होंने काफी खुशी व आभार व्यक्त की। गरीब भारत का जो आप लोगों का संगठन है बहुत ही अच्छा जो है कि पब्लिक का सहयोग कर रहा है, जो है कि रक्षाबंधन के अवसर पर और जो है कि फौजी आदमियों के लिए रक्षाबंधन के लिए अवसर पर राखी बांध रहे। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार से आप भाई साहब? यूपी से। यूपी से आप कश्मीर से हैं ना? ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज सेकंड लिंक रोड एसएमसी रोड मेहरपुर शिलचर कैरियर बिल्डिंग एक अनबद्य शिक्षा प्रतिष्ठान एखाने प्रथम विभाग उत्तीर्ण छात्र छात्री टेक्सट बुक एवं कॉलेज यूनिफॉर्म बिनामूल्य देवा होच्छे। एसटी एससी ओबीसी एवं गरीब मेधावी छात्रों जन्य थाकछे विशेष छाड़, गरीब एवं मेधावी छात्रों जन्य थाकछे इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 8638872718 এবং 9954743356 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ সেকেন্ড লিঙ্ক রোড এসএমসি রোড মেহেরপুর শিলচর। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়ে ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ রামনগর শিলচর 3, মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। খাই
Khairunnesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University Silchar, offering honors in English, Economics, Political Science, History and Bengali, along with various past courses. Khairunnesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairunnesa Begum Women's College, Madar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचार को अगले चरण मेघालय विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में बिजली के तार सड़क के बीचों बीच रखे जाने पर तथा बिजली के खंभे पोते जाने पर इलाके में लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। कई क्षेत्र में दुर्घटना की वारदात भी हो रही है। सड़क तो बड़ा कर दिया गया है, लेकिन कई क्षेत्र में बिजली के खंभे अभी तक हटाए नहीं गए, जिसके चलते अक्सर ट्रक व दूसरे यातायात करे वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ऐसे ही हालात के चलते इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। लोगों ने ट्रक को दिन भर रोक रखा, जबकि बिजली विभाग के कार्यकर्ता करीब 18 घंटा बीत जाने के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। लोगों में काफी नाराजगी का माहौल भी उभर कर आया।